आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा जो सिर्फ 5,000 से शुरू होता है। अगर आप इस बिजनेस को नेक नियति और मेहनत से करेंगे तो आप इन 5,000 को 5 लाख में भी बदल सकते हैं। दोस्तों, इंसान जब तक जिंदा रहेगा तब तक 3 बिजनेसेस को जवाल नहीं। आज का बिजनेस आइडिया भी इन्हीं में से एक है। इस बिजनेस के मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं, लिहाजा अगर आप लोग ये बिजनेस करेंगे तो यकीनन आप दिनों में अमीर हो जाएंगे। दोस्तों, ये बिजनेस जिस मशीन से शुरू होगा वो मशीन अब आपको पाकिस्तान से भी मिल जाएगी। आपको चाइना से इंपोर्ट करवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इस दोस्तों, हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, हमारी हौसला अफजाई किया करें। चलते हैं बिजनेस की तरफ। दोस्तों, ये बिजनेस पास्ता बनाने का है। पास्ता पाकिस्तान में तकरीबन नया प्रोडक्ट है, लोग जानते तो हैं लेकिन बहुत ही कम। बड़े बड़े शहरों में तो इसका ट्रेंड है लेकिन वो भी ना होने के बराबर। लिहाजा अभी मौका है, अभी आप इस बिजनेस को शुरू कर लें तो यकीनन आप बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, पास्ता बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मैदे में अंडे डालें और इसके बाद इसको गूंद लें। गूंदने के बाद इसको 30 मिनट के लिए रख दें ताकि यकजां हो जाए। फिर इसको मशीन में डालें, मशीन इसको पास्ता की शक्ल दे देगी। फिर इसको कुछ देर के लिए खुश्क होने के लिए रख दें। लो जी, आपका पास्ता तैयार है। अब बात करते हैं पैकिंग की। इसके लिए आप बाजार से जिप वाले पैकेट लाएं और इसमें पास्ता पैक कर दें। अगर आप जिप वाले पैकेट नहीं लाना चाहते तो आप अपने ब्रांड के प्लास्टिक के शॉपर बनवा लें और एक सीलर मशीन ले आएं, जो आपको तकरीबन 3500 से 5000 रुपए तक की रेंज में बआसानी मिल जाएगी। पास्ता इन पैकेट्स में डाल के पैक करें और बाजार में इनको सेल कर दें। अगर हम पास्ता मेकिंग मशीन की प्राइस की बात करें तो ये आपको सिर्फ 5000 रुपए की मिल जाएगी।